sits like that? Nobody moon. Dogs don't sit like that. Welcome back to another video, guys. आज की वीडियो में आपका स्वागत है और आज मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो मैं मून के ऊपर बनाऊँ दोबारा. तो काफी जनों ने पूछा है कि हाँ भाई डॉग का क्या हाल है. तो ये फाइनली अब एक साल की हो गई है. एक दो दिन पहले ही एक साल की हुई है. ये सोफा सिर्फ इसी का ही सोफा है जहाँ पे बैठती है. सबसे पहले बिग शाउट आउट टू अमनप्रीत, जिसके बाद आपको पता है मेरे ब्लॉग्स में जो आता रहता है मेरा दोस्त, उसने मेरे घर के लिए ये नया सोफा गिफ्ट किया. इसकी शुरू से आदत है जो हमारा पुराना फर्नीचर था उस पर हमारे साथ बैठना. तो जब ये नया सोफा है, नए सोफे पर मैंने इसको बैठने नहीं दिया. बट उस दिन जिस दिन सोफा है, मैंने इसको सोफे के ऊपर बिल्कुल नहीं बैठने दिया. तो इसने क्या किया, ये मेरे घर की दीवार है जो उसने खा ली दांत मार के. इसने पूरे के पूरे खड्डे कर दिए इसके ऊपर. बट अभी भी सबसे प्यारी डॉग है, ठीक है. मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुआ. जो बुलडॉग ब्रीड है, ये ब्रीड ही ऐसी की बहुत ज्यादा स्टबर्न ब्रीड है, बहुत ही ज्यादा जिद्दी है. फिर भी मैंने इसको बैठने नहीं दिया, ठीक है, एक दो दिन तक. तो फिर इसको धीरे धीरे बैठने का मैंने मौका दिया शुरू. क्या बात है कि इसके बाल झड़ते हैं, तो बाल सोफे के ऊपर लग जाते हैं, तो उतारने मुश्किल होते हैं. तो सोफे का जो ये एरिया, इस एरिया के ऊपर अभी बैठती है, इसी एरिया के ऊपर ये सोती है. कम हियर मून, देखो आकर बैठ गया पर मजे से प्यार से. ए मम्मी कम हियर, सिट दिस वे, सिट 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 डाउन, स्टे. तो प्रोटीन के डब्बे में मैंने इसका खाना रखा हुआ है, ठीक है. तो उसको प्रोटीन नहीं दे रहा हूँ, ये मत सोचना इसको प्रोटीन दे रहा हूँ. आप देसी नहीं हो कि अगर आप अपने घर के लिए रिसाइकल नहीं करते हो, डब्बे रिसाइकल नहीं करते हो, ठीक है. एवरी देसी फैमिली डज दैट. सो तो सुबह का जो ब्रेकफास्ट है, उसके ब्रेकफास्ट के साथ मैं इसको कैल्शियम की दवाई देता हूँ. तो अगर आप सोच रहे हो कि ये कैल्शियम की दवाई कौन सी है, एक सिंपल दवाई है जो इंसान खाते हैं, वही दवाई आप अपने डॉग को दे सकते हैं, ठीक है. इनकी हड्डी वगैरह के लिए काफी अच्छी होती है. कम हियर, सिट, स्लो स्लो, गुड गर्ल. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि हाँ भाई इसका कितना खर्चा वगैरह हो रहा है आजकल, स्पेशली जिनको कुत्तों का शौक है, ठीक है, और वो इमिग्रेंट है मेरी तरह, तो उनको मैं दिखाता हूँ कि क्या मेन मेन चीज़ें होती हैं जो खरीदनी पड़ती हैं. तो मैंने आपको बताया कि एक साल की हो गई है, अब तक मैंने इसको एक भी बार इसके नेल ग्राइंड नहीं किए हैं. तो ये पहली बार चीज़ मैंने खरीद रहा हूँ, पहले कभी नहीं मैंने खरीदी. अमेजोन से मंगाई थी मैंने. देख सकते हैं जैसे इसके ऊपर यहाँ पर ये पत्थर वगैरह लगा हुआ है, तो आई गेस ये ऑलरेडी चार्ज्ड है. ये चीज़ ऐसे घूमती है और फिर इसे आप उनके नेल्स जैसे ग्राइंड कर सकते हैं. ये चीज़ मिली है, इसके साथ एक एक्स्ट्रा स्टोन मिला है, इसके साथ अंदर एक चार्जिंग वायर मिली है. कम बैक हियर मून, ए कम बैक हियर, पुट योर फीट हियर, ए ए. उसको पता है ये अभी उसके नाखून को टच किया है तो थोड़ी सी दर्द हो रही है, तो करके वो भाग गई. ए सिट सिट, नो सिट. Let's try it, mommy. It's not gonna hurt you. Let's just try it once. Just 1 feet. I wanna see how it works. Can I please? तो मैंने सिर्फ एक ही नाखून किया, बाकी के सारे मैं बाद में करूंगा, सिर्फ आपको दिखाने के लिए. अगर आप देख सकते हैं कि किसने ग्राइंड किया इसका ये नाखून, ये वाला काफी छोटा हो गया. यहाँ पर आप ये पाउडर पड़ा हुआ देख सकते हैं, जैसे आपके ये इसे ग्राइंडेड नेल है, तो वो कट के धूल सी बनके नीचे गिर जाते हैं, तो काफी अच्छी चीज है. गो, यू कैन रन अवे नाउ. ये देखो ऊपर भाग जाएगी. Where are you gonna run now? The door is closed, you can't run nowhere. पूरे एक साल में अब तक सिर्फ दो ही टॉयज सबसे ज्यादा कामयाब हुए हैं, जो सबसे ज्यादा चले हैं. उसमें से एक है ये गॉन्ग, जो कि डॉग्स के लिए काफी अच्छा होता है. ये भी जैसे बेसिकली बिहेवियर कंट्रोल करने के लिए होता है. उनको ये चीज दो, ये इसके ऊपर चबाते रहते हैं, ठीक है, बजाय इधर उधर किसी चीज को काटे तोड़े फोड़े, तो इस चीज के ऊपर चबाते रहते हैं. आप इसमें छोटा सा छेद देख सकते हो, तो इस छेद के अंदर जैसे पीनट बटर वगैरह डाल दो, ठीक है. इनको पीनट बटर खाना काफी अच्छा लगता है. मामी सिरप सिरप सिरप, वेट वेट. बच्चों की तरह छोटे छोटे दांत आ रखे हैं. मामी वेट वेट. काफ़ी ज़रूरी होता है कि आप अपने डॉग को सिखाएं पेशेंस, आप अपने डॉग को ट्रेन करना सिखाएं, तो उनका एग्रेशन काफ़ी ज़्यादा कम होता है. उन्हें पता चलता है कि घर में बॉस कौन है, बॉस वो नहीं है, ठीक है. तो कोई भी डॉग की ब्रीडिंग बुरी होती, कभी भी बुरी नहीं होती. पिटबुल भी काफ़ी अच्छे होते हैं, काफ़ी जानों को पिटबुल कहते हैं, बहुत खतरनाक है, खतरनाक नहीं होते. तो लैक ऑफ जो ट्रेनिंग होती है उसके करके वो थोड़ा एग्रेशन उनमें आ जाता है. गो. और दूसरा टॉय था इसके
बॉल और ये हेलोवीन के लिए इसके लिए मास्क लेकर रखा था मैं और आज बेसिकली इसके लिए टॉयज खरीदने आज ठीक है टॉयज इसके काफी पुराने हो गए हैं फर्स्ट स्टॉप इज पेटलैंड लेट्स गो तो पेटलैंड में सब कुछ ही महंगा होता है ठीक है तो काफी चुनिंदा चीजें जो मैं यहाँ से खरीदता हूँ बाकी चीजें और स्टोर से लेने की कोशिश करता हूँ जो मेन चीज है जो मैं इसके लिए खरीदता हूँ वो है इसका फूड फूड काफ़ी हाई क्वालिटी फूड होना चाहिए आपके डॉग्स के लिए ऑफकोर्स डॉग कोई टॉय तो नहीं है ठीक है तो इनको हाई क्वालिटी फूड खिलाना चाहिए तो लास्ट टाइम मैंने जो इसके लिए ब्रांड लिया था वो लिया था ये एकेना ब्रांड तो वैसे मैं इसको हमेशा दूसरा ब्रांड दिलाता हूँ जो कि मैं आपको दिखाऊंगा लेकिन ये ब्रांड जो मैंने इसको दिलाया ये काफ़ी ज़्यादा उसको पूप वगैरह आ रही थी ठीक है काफ़ी ज़्यादा पॉटी वगैरह करी थी उसने काफ़ी बार जैसे उल्टियाँ वगैरह भी की तो ये ब्रांड मैंने अपने बुलडॉग को देना बंद कर दिया तो इसकी बजाय मैं आपको दूसरा ब्रांड दिखाऊंगा जो मैं ले रहा हूँ फिर उसके बाद मैंने जैसे रॉयल केनिन ब्रांड लिया ये वाला तो ये एक साल और एक साल से नीचे वाले बच्चों के लिए हैं तो इस बार मैं उसके लिए ले रहा हूँ मीडियम साइज क्योंकि वो एक साल से ऊपर की हो गई है तो काफ़ी अच्छा ब्रांड है काफ़ी हाई क्वालिटी का ब्रांड है ठीक है और उसके ऊपर से जैसे जो वो दूसरा कहना ब्रांड खरीद के उसके साथ वो जैसे पाथ वगैरह बहुत ज़्यादा गैस वगैरह उसकी लीक हो रही थी तो इसके साथ बिल्कुल नहीं हो रही थी काफ़ी अच्छा फूड है ये तो आज हम लेंगे ये वाला तो आप में से काफ़ी जन को नहीं पता हुआ कि जो मैंने अपना रैबिट था रैबिट भी यहाँ से लिया था तो देखो वहाँ पे सामने रैबिट पड़े हुए हैं छोटे छोटे से खरगोश तो बिल्कुल यहाँ से ही ख़रीदा था तो अगला शॉप जो हम जाने लगे वो डॉलरामा यहाँ पे काफ़ी सस्ता सामान मिलता है ठीक है मैं यहाँ पे हमेशा शुरू से ही जाता हूँ मुझे ऑलमोस्ट छः साल हो गया ठीक है कनाडा में और यहाँ पे मैं हमेशा जाता हूँ तो डॉग्स के लिए काफ़ी अच्छा सस्ता सामान है तो ये डेंटल काफ़ी अच्छे होते हैं इनके मुंह को फ्रेश रखते हैं बिल्कुल ठीक है तो इनको ब्रश वगैरह करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती तो दिन में एक बार सुबह सुबह ये खिला दो तो काफ़ी अच्छे होते हैं ये मैं यहाँ से हमेशा लेता हूँ काफ़ी सस्ते हैं वरना कहीं और स्टोर से खरीदे तो काफ़ी महंगे होते हैं और यहाँ से एक टॉय उठा पैक करना तो इस बार इसके लिए लूँगा मैं ये एलिफेंट देखो बैकयार्ड में जाती हैं पीछे मज़े से अपना पीपीश करके फिर वापस आ जाती है ए लेट्स गो अप तो ये जो रॉयल केनिन इस बार लेकर आया हूँ ये मैं डिफरेंट है तो पिछले वाला जो था वो एक साल से छोटे बच्चों के लिए था तो ये भी एक साल से ऊपर की हो चुकी है तो इसका कलर डिफरेंट है आई गेस टेस्ट भी डिफरेंट करता होगा तो इसको दी गई है थोड़ी देर तक जब इसका डिनर टाइम होएगा दिन में इसको दो बार फीड करता हूँ मैं सिर्फ एक बार सुबह सुबह जब मैं उठता हूँ और एक बार सोने से तीन घंटे पहले डिनर इसका जो डेंटल है डेंटल जैसे दिन में एक बार देते हैं जो फुल साइज डॉग है फुल साइज को आप पूरा दे सकते हो लेकिन अगर आपका डॉग छोटा डॉग है तो उसके लिए आप इस चीज़ को जैसे हाफ में काट सकते हो और फिर आप इन्हें दे सकते हो वेट स्लो 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 जेंटलमैन इसके लिए ये एलिफेंट वाला छोटा टॉय लेकर आया हूँ इसमें जैसे रस्सी वगैरह लगी होती है तो इसे कुछ चबाते वगैरह ए मून आई गेस इन टॉयज में किसी तरीके की जैसे फ्रेग्रेंस वगैरह होती है जिस करके ये इसको काफ़ी जैसे चबाना पसंद करते हैं या फिर काटना पसंद करते हैं बट शी रियली लाइक्स इट आई गेस एक या दो दिन के अंदर अंदर ये पूरा का पूरा काट देगी राइट मोमिश देखो अपने अपने बेड में ले जाएगी ये वहाँ पर बैठ के अब इसे खाएगी तो इवन दो आपको पता है कि आपके जैसे डॉग्स है मुझे पता है कि ये चीज़ें काफ़ी इजीली तोड़ देगी एक दो दिन के अंदर तोड़ देगी लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने डॉग्स को टॉयज लाने बंद कर दो उन्हें ज़रूर ला कर देने चाहिए जैसे उनका माइंड डाइवर्ट करने में काफ़ी हेल्प करते हैं ठीक है इधर उधर शरारते नहीं करते घर की और चीज़ें नहीं तोड़ते फोड़ते ठीक है एग्रेशन कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं मून एक्चुअली आई फॉरगॉट समथिंग ठीक है आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जो मैं चीज़ भूल गया इसके लिए एक और चीज़ लेकर आ रखा था मैं तो इसको अभी इतनी आदत नहीं है स्नो की तो जिस करके मैं कोशिश करता हूँ इसे कवर करूँ तो देखो काफ़ी अच्छी प्यारी छोटी सी टोपी है टोपी पहनाओ और यहाँ से साइड से कान निकाल दो मूविश कम Come, come, sit. You look cute, mommy. It's your snow hat. You should have a dog, man. आपके पास जरूर एक dog होना चाहिए. One in a lifetime experience है. Especially अगर आप मेरी तरह जैसे immigrant वगैरह तो काफी अच्छा भी है. घर पे मन लगाने का अगर आपकी family वगैरह back home रहती है मेरी तरह ठीक है तो आप bored नहीं होते हो. हर बार जब भी मैं काम से घर पे आता हूँ ठीक है या कभी भी मैं कहीं पर जा रखा होता हूँ डजेंट मैटर हाउ समबडी एल्स इज बिहेविंग विद यू शी इज ऑलवेज गोइंग टू बी क्यूट एंड शी इज ऑलवेज गोइंग टू बी नाइस विद मी और बाकी आप में से जो पंजाबी गाने सुनते हैं आपने मनमोहन वारी सोनू का गाना सुना होगा जिसे वे कहते कुत्ते जिन्ना कदे कोई वफादार नहीं होना पहरेदारी बंदे तो कराड़ो जिनी मर्जी और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी प्यारी
एंड सो मेनी पीपल ऑन इंस्टाग्राम आस्क मी द सेम क्वेश्चन कि आपका रैबिट कैसा है, आप अपने रैबिट को पोस्ट नहीं करते हो, तो उसका एक रीजन है, तो वो बेचारा इसके बर्थडे से पूरे एक दो दिन पहले उसकी डेथ हो गई थी। अभी वो 1.5 साल का ही था, तो जो वो रैबिट की नस्ल थी यूरोपियन लाइन हेड, वो 3 से 5 साल ही जीते हैं। बट जब हमने घर वहाँ से यहाँ पर मूव किया और उससे पहले भी वो थोड़ा सा बीमार पड़ गया था, तो उसके पेट वगैरह में कोई प्रॉब्लम थी क्या, और कोविड वगैरह के करके यहाँ पे सारे डॉक्टर्स वगैरह काफ़ी फुली बुक्ड थे, और फुली बुकिंग की भी प्रॉब्लम नहीं थी, सारे डॉक्टर्स कह रहे थे कि हाँ भाई आप ले आओ, हम उसको देख लेंगे। बट जैसे उनको कंडीशन बताई थी, उन्होंने कहा था कि हम कर कुछ नहीं सकते क्योंकि ये छोटे एनिमल होते हैं, इनका ऑपरेशन भी नहीं हो सकता, ठीक है कम से कम दवाई दे देंगे लेकिन हमें लगता नहीं है कि ये ठीक होगा। बेसिकली क्या हो रहा था, उसका जो पेट था, पेट में से एवरी टाइम वो जैसे बाथरूम कर रहा था और बाथरूम में से खून निकली जा रहा था, तो धीरे धीरे उसने पानी पीना कम कर दिया, खाना वो फिर भी प्रॉपर खा रहा था, लेकिन जो उसका खून था, खून और ज्यादा निकलता रहा और ज्यादा निकलता रहा। मुझे पता चल गया था कि हाँ भाई इसके दिन थोड़े पास में है। हर रोज काम से पहले और काम के बाद ये और वो दोनों के, मेरा डॉग और रैबिट खेलते हैं, तो मैं जब उसको नीचे गया खाना खिलाने के लिए, वो बेचारा अपने बोल में जिसमें अपनी वो घास वगैरह खाता है, तो वहां पे वो बेचारा पड़ा हुआ था, ठीक है। और जब मैंने उसको देखा, मुझे देखकर पता चल गया क्योंकि जिस पोजीशन में वो पड़ा हुआ था, मुझे पता था कि रैबिट वैसे नहीं सोते हैं, तो जिस करके उस बेचारे की डेथ हो गई। एक दो दिन तक मुझे भी काफी दुख लगा रहा। तो जब वो बेचारा पूरा हुआ, उसको मैंने एक काफी अच्छे बॉक्स के अंदर बंद करके उसके घास वगैरह डाल दिए, उसके टॉयज वगैरह डाल दिए, उसका खाना वगैरह उसी डब्बे के अंदर पैक करके मैंने अपने पीछे बैकयार्ड के अंदर उसको जैसे दफन कर दिया था। तो काफी जाने जो अपने डॉग को फूड खिलाते हैं, वो सूखा खिलाते हैं, और मैं पसंद करता हूँ कि हाँ भाई मैं पानी के बीच में डालूं, तो उनको डाइजेशन में हेल्प करता है, नीचे जाने में हेल्प करता है। स्पेशली माय डॉग शी ईट्स लाइक अ पिग, तो वो बिल्कुल नहीं रुकती, एकदम से खाती है, तो मुझे होता है उसके गले में ना फंस जाए। 2-3 बार वो चोक भी कर चुकी है, ठीक है, उसके गले में फंसा भी है, तो मैंने पानी डालना शुरू कर दिया। तो जो मेन चीज़ है वो है इनका न्यूट्रिशन। काफ़ी अच्छा फूड दिलाना चाहिए, बेस्ट क्वालिटी का दिलाओ, ठीक है, तो ताकि वो खाएं। इनके लिए भले की बात है यार, आपने घर पे टॉय नहीं खरीदा हुआ, ठीक है, या फिर कुछ ऐसी वैसी चीज़ नहीं है, लिविंग थिंग है, ठीक है, तो काफ़ी ज़रूरी है इनको आप हाई क्वालिटी फूड खिलाओ। तो उसका फूड जो मैंने आपको दिखाया था वो जैसे $90 कुछ का था, और ये चीज़ स्टिक्स मैं ज़रूर इसके लिए खरीदता हूँ, जो कि मैंने आपको पहले दिखाई है, कि मैं डॉलरामा से लेकर आता हूँ, सिर्फ इसका मेन फूड है जो कि मैं पेट स्टोर से लेकर आता हूँ, लेकिन ये दो चीज़ें डॉलरामा से लेकर आता हूँ, तो दोनों जैसे $3-$3 की, $6 की काफ़ी सस्ती है। तो ये चीज़ किसी की तरफ से गिफ्ट थी, तो ये चीज़ मैं इसको देता हूँ, ये चीज़ भी इसको काफ़ी खानी पसंद है। बात की जाए कि हाँ भाई इसकी हेल्थ एंड ब्यूटी के बारे में, तो उसके लिए सिर्फ ये चीज़ है काफ़ी ज़रूरी होती है। यहाँ पे जैसे सर्दियाँ, ये चीज़ इसके नाक के ऊपर लगाता हूँ मैं, हालांकि इसे बिल्कुल नहीं पसंद जब भी मैं लगाता हूँ, बट तो दिन में 1 से 2 बार लगाने की कोशिश करता हूँ मैं। इसको मैं लेकर आया था अपने पास जब ये ऑलमोस्ट 3 या 4 महीने की थी, और अभी 1 साल की हो गई है, तो 8 महीने में अभी तक ये चीज़ आधी ही यूज़ हुई है, ठीक है, $3 की है, डॉलरामा से लेकर आ रखा था मैं। ये ओटमील फ्लेवर शैम्पू है इसका, और मैं इसको जैसे महीने में एक बार नहलाता हूँ, वैसे मैं इसको साफ रखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये चीज़ काफ़ी अच्छी है, सस्ती है, और काफ़ी अच्छे ब्रांड की है, आर्म्स एंड हैमर। और थोड़ा जो और इसका खर्चा वगैरह होता है वो इसी चीज़ का होता है कि अगर आप अलग से इन्हें कपड़े वगैरह दिलाना चाहते हो, तो मैं इसको थोड़े बहुत स्वेटर वगैरह हर पिछली सर्दियों में दिलाया था, तो इस सर्दियों में जैसे मैंने आज इसको कैप दिलाई है, और मैं भी एक और स्वेटर वगैरह दिलाऊंगा, तो ये ठंड वगैरह इतनी टॉलरेट नहीं कर पाती, बाहर जाती है इसको ठंड लगती है, वापस आती है छींक वगैरह लग जाती है, ठीक है। मैं इसको धीरे धीरे यूज़ टू कर रहा हूँ, बट फिर भी काफ़ी ज़रूरी होता है, बजाय आपका डॉग बीमार हो, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है डॉग्स का, तो काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। अब तो बाकी आज का व्लॉग खत्म करने से पहले मैं यही कहूँगा, यार ये डॉग्स हैं तो इनको डॉग की तरह रखना चाहिए, ठीक है, इनके साथ स्ट्रिक्ट होना चाहिए थोड़ा सा, लेकिन इनका ख्याल भी बिल्कुल प्रॉपर रखना चाहिए। आपको ध्यान रखना है कि आप टॉय नहीं ले रहे हो, डॉग ले लो, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच ये व्लॉग देखने के लिए गाइस, कमेंट में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।